मैंने जी भूख लग रही है। हाँ हाँ बस पक रहा है ना खाना, कितनी देर लगती है चिकन को पकने में, आप और मैं दो है ना, तो इंशाल्लाह काम हो जाएगा। ठीक है ये अच्छा। चिकन मैंने पूरी ली है एक किलो ये मतलब आई डोंट नो डेढ़ किलो की है जो भी फुल चिकन है। ठीक है फुल चिकन में मैंने इसमें सिर्फ अदरक लहसुन और नमक डाला है। ठीक है सिर्फ मैरिनेट ऐसे करके तो 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक हाँ 1 टेबलस्पून और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। ठीक है अब मैंने इसमें डालना है ये लाल मिर्च पाउडर। अच्छा इसी में ठीक है ये भी हम ज़ाहिर है इसमें टमाटर का जूस भी जाएगा और लाल प्याज भी होगा। अच्छा। तो मैं ज़रा ज़्यादा डालती हूँ ताकि मसाला अरे तेज़ी अच्छी रहे। ठीक है साबुत चीज़ों में इसमें ये दालचीनी पाउडर ठीक है साबुत 3-4 स्टिक दालचीनी पाउडर पूरा 1/4 टीस्पून है दो तीन तीन चार छोटी इलायची। अब मैंने ऑयल गर्म किया, ऑयल इसलिए ज़्यादा डाल रही हूँ कि थोड़ी सी तरी वाला होना चाहिए। ठीक है क्योंकि जब प्याज और टमाटर सब जाता है ना तो फिर वो तो 1 कप ऑयल हाँ लगभग आधा पौना कप तो है। ठीक है मैं हाथ यूज़ कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल कर लीजिए क्योंकि मुझे घर के कामों में ऐसे हाथ यूज़ करना ज़्यादा अच्छा लगता है। बिल्कुल कर अदरक लहसुन नमक लाल मिर्च साबुत गरम मसाला डाल के आपने इसको छोड़ दिया। जी 1 कप तेल गरम किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये एक जो प्रोसेस है ना ये बात लोग नहीं करते हैं हमारी अपनी कम्युनिटी में भी। अच्छा। वो कहते हैं कि हमने गोश्त या मुर्गी जो भी आपने बनाना है डायरेक्ट आप पानी डाल के चढ़ा दो। मेरी अम्मी हमेशा ऐसे करती थी कि थोड़ा सा ये अच्छा आने के लिए तो एक हाथ इसको चला लें जब ज़रा सा चिकन या गोश्त का कलर जब ये हो जाए ठीक है तो उसके बाद आपने टमाटर जूस डायरेक्ट डाल दें या पानी डाल के गलाएं। अगर गोश्त है तो थोड़ा सा पानी डाल के गलाएं ताकि ज़रा सा और उसमें टमाटर कितने लिए ये मैंने कम से कम 6-7 टमाटर जो है बॉईल किए हैं। लेकिन आप मुझे बताएं टमाटर तो काफ़ी सारे लग रहे हैं। मैं कम लूँगी मैं जैसे एहतियातन ज़्यादा उबाल लेती हूँ और इसको पहले उबालते हैं उबाल के फिर उसके अगर छिलके निकल जाते हैं तो और भी बेहतर उसके बाद उसको आपने ब्लेंड कर लिया। ओके ठीक है एक मुर्गी पे 4-5 टमाटर जाएगा ही जाएगा मसाला होना चाहिए ना चावल के साथ खाने हैं। ठीक है और इसको लादोश क्यों बोलते हैं? आई डोंट नो ये हमारे आबा अजदाद ने यही नाम दिया था हम जब से पैदा हुए ये अच्छा। सुनते आ रहे हैं कि लादोश कलियो पाया घी कबाब ये सब ट्रेडिशनल खाने हैं सुल्तानी लोगों के। घी कबाब यानी होता वही जो आप लोग कोफ्ता कहते हैं ना वो हमारे यहाँ घी में बनते हैं उसके साथ मीठी रोटी खाई जाती है वो जो आप पुलन पूरी कहती हैं ना हाँ वो सिवतियों के यहाँ मीठी रोटी कहलाई जाती है वो तो उसके साथ नाश्ते में ये 5 चीज़ पहले वलीमे में खिलाए जाते थे जिसने अपने वलीमे में ये खाने खिलाए वो समझिए कि बहुत शाही लोग थे। अच्छा हाँ इतना इसका मतलब टेका है कि लादोस कलियो पाया और कलियो क्या होता है कलिया चिकन कलिया जिसमें ज़ाफ़रान रख लेता है आलू अंडा मटन पाए जो हमारे मटन पाए या बड़े के पाए जिसके जो जैसी हैसियत हो लेकिन वो अक्सर मतलब पुराने ज़माने में जिनका वलीमा होता था तो ये खाना सर्व करते थे तो कहते थे कि भाई बड़ी ऊँची शान है इन लोगों ने ये खाना खिलाया शाही खानों में शुमार होगा। जी नहीं शुक्रिया आप सिर्फ खाने के लिए मदद कीजिएगा। खुशबू आ रही है बहुत जबरदस्त शुक्रिया। ठीक है देखिए अभी हमने इसे पकाने रख दिया थोड़ी देर जरा जब चिकन हो जाएगी तो ये लाल प्याज है 5-6 अच्छा ये लगभग 5-6 प्याज है जिसको अच्छे से मैंने लाल किया है अब इसको चूरा कर लेना है इसे साबुत नहीं डालना है इसलिए मैं फ्रिज में रखती हूँ कि फ्रिज में रखने से क्रिस्पी रहती है तो ये जब अच्छे से चूर हो जाएगी तो अकॉर्डिंग टू हमारे मसाले के साथ बिल्कुल इतना होना चाहिए कि ना मसाला बहुत ज़्यादा ना गोश्त की बोटियाँ ज़्यादा बहुत ज़्यादा लेकिन ये इतनी कम से कम मुझे लगता है ये पूरी जाएगी। अच्छा और यहाँ बेबी अनियंस भी रखी हुई हैं ये इसलिए कि मैंने इसको हल्के से सॉटे कर लिया है ये लादोश में जाएगा हरी पूरी लहसुन की जवे और हरी मिर्च और आखिर में जो है आप जब सर्व करेंगी तो इसे खूबसूरती के लिए तेल लेकिन आप मुझे बताएं अगर मुझे जैसा साबुत लहसुन नहीं ना, ना डालें अच्छा ना डालें लेकिन खूबसूरती के लिए अच्छा। के खाने में बहुत से लोग ख़ासतौर पर मेरे मियाँ को तो बहुत पसंद अच्छा। है वो अगर कहते हैं कि तुमने लादोस में लहसुन नहीं डाला तो फिर लादोस ही क्यों बनाया ठीक है ना तो बस आपको थोड़ी सी डेकोरेशन तकरीबन तैयार है। हाँ बिल्कुल वेरी इजी एंड येट यम्मी नहीं वेरी इजी और सबसे बड़ी बात हर इंग्रेडिएंट आपके घर में मौजूद है
ठीक है ना। सबने मैं प्याज भी उस वक्त डालूंगी जब मैं देखूंगी कि नहीं नहीं थोड़ी सी चिकन गल जाए ना, वरना ये अभी छुट जाएंगे सारे, क्योंकि मैंने हल्के फ्राई किए हैं ना, तो इतने डालूंगी कि फिर वो खाने के काबिल हो, इसका कच्चापन नहीं रहना चाहिए। तो ज़रा सालन के साथ पकेंगे तो उसका शुरबा भी एब्जॉर्ब कर लेंगे, इसके मसाला भी, और फिर ये ठीक है, ज़बरदस्त। जब तक आप वहाँ बैठे मैं दूसरा खाना भी सब तैयार रखती हूँ, फिर हम लोग टेबल पे लगाएंगे और सर्व करेंगे, खाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आप लोगों को ये खाना पसंद आएगा, आएगा सिंपल एंड इजी डिश, इतने दिल से बनाओ, यही तो मैं कह रही हूँ, इतनी आसान, बहुत आसान, बहुत ही आसान है इंशाल्लाह। अच्छा, खाने इसको बोलते ही लादोशा, LADOSH अगर देखा जाए तो लादोश, ठीक ठीक है, इजाज़त है वहाँ। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, फिर आप खाने की तकलीफ कीजिएगा। ये देखिए पक रहा है माशाल्लाह, दावत की है, अगर आप शराफत से ऐसे नहीं आओगी तो फिर मुझे तो बहाना चाहिए ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये तिल से वाकई खूबसूरत लग रहा है ना, देखिए कितना फटाफट पक गया। अच्छा नहीं, एक चीज़ और मैंने नोट किया तस्नीम, ना आपने इसमें धनिया डाला है, ना जीरा डाला है, ना गरम मसाला डाला है, कुछ भी नहीं, सिर्फ लाल मिर्च, सिर्फ लाल मिर्च, हल्दी भी नहीं, हल्दी भी नहीं, हल्दी भी नहीं, माशाल्लाह। आप लोग भी तो आके देखें क्या हसीन टेबल सजाई है, अल्लाह खाना नसीब करे खुशियों के साथ। नाम हुआ एक चीज का सिखाया है, और पहले से ये देखेंगे ना ये चीजें जाती है ना, एज यूजुअल, और अकेले हाथ, एज यूजुअल, अल्लाह का शुक्र है, बस अल्लाह हिम्मत। यू आर वेलकम ऑलवेज, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे खुशी है कि आप लोग आए, और पहली बार तो आप लोगों ने मुझे चांस दिया कि अपना हुनर शो करूं। आपका हुनर हम बहुत बार देख चुके हैं, वेरी नाइस, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। हाँ, very nice, very nice, very nice, thank you so much, बहुत अच्छा।